और बुलेटिन की शुरुआत रायपुर की खबर से करेंगे, जहां भूपेश कैबिनेट की आज बैठक होने जा रही है। वर्चुअली माध्यम से दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी, जिसमें किसान न्याय योजना भुगतान पर चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही मानसून की तैयारियों पर भी चर्चा की जाएगी। आज भूपेश कैबिनेट की बैठक दोपहर में होने जा रही है, 12 बजे वर्चुअली होने वाली इस बैठक में किसान न्याय योजना भुगतान पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही मानसून की तैयारियों पर भी कैबिनेट में चर्चा होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़ों पर नजर डालें तो छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार कम हुई है। प्रदेश में 1,00,000 से कम कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। 24 घंटे में कोरोना के 6,577 केस सामने आए, 149 लोगों की मौत हो गई तो 12,665 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर पहुंचे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि रायपुर में 318 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। रायगढ़ में संख्या 499 है। बिलासपुर में 225 मरीज मिले हैं। कोरिया में 506, बलरामपुर में 406 नए मरीज मिले और जशपुर में 402 मरीजों की पुष्टि हुई। प्रदेश में कोरोना के 96,156 एक्टिव केसेस हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे ने बयान दिया। 21 मई को राघव जी की पुण्यतिथि पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। इसके साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना की किश्त किसानों को दी जाएगी। कांग्रेस नेताओं को कोरोना काल में लोगों की मदद करने के निर्देश भी इस बैठक में दिए गए हैं। तो ये चर्चा हुई और उसके बाद इस बैठक से जुड़ी जानकारी संसदीय कार्य मंत्री रविन्द्र चौबे ने दी है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 21 मई को राजीव जी की पुण्यतिथि पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना की किश्त किसानों को दी जाएगी और ये निर्देश भी दिए गए हैं कि कोरोना काल में कांग्रेस कार्यकर्ता लोगों की मदद करें। छत्तीसगढ़ से एक खबर, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनता से अपील करते हुए लॉकडाउन में मिली छूट पर सावधानी बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा है कि संकट अभी टला नहीं है, अभी भी थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। सभी के प्रयासों और मेहनत से संक्रमण दर 30 से घटकर 9% पर आ गई है। ये हमारे धैर्य और संयम का ही परिणाम है, इसलिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग का ध्यान रखना होगा और अपनी बारी आने पर ही टीका जरूर लगवाना होगा। वहीं जो पहला डोज ले चुके हैं उनका भी दूसरा टीका समय पर लगना जरूरी है। मुख्य रूप से जो बातें हैं वो कोरोना से लड़ने के लिए जो हमको वैक्सीन चाहिए उसमें कमी है, उसके बारे में मैंने बताया कि वैक्सीन के डोज हमको ज़्यादा चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी टीकाकरण कर सकें। जितना जल्दी टीकाकरण करेंगे उतने जल्द कोरोना से लड़ने हम सफल होंगे। दूसरी बात यह है कि पूरे देश को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम छत्तीसगढ़ से हुआ है। भारत सरकार ने भी जिन राज्यों को ऑक्सीजन देने के लिए हमें कोटा दिया गया था उसे हम कहीं बाधित नहीं होने दिया, सब जगह समय पे ऑक्सीजन पहुंचा, बल्कि अन्य राज्यों की जहां जहां डिमांड थी हमने वहां भी पहुंचाए। अब ऑक्सीजन की पूर्ति सभी जगह हो रहा है तो ऐसी स्थिति में 80-20 का रेशियो फिर से लागू कर दें ताकि उद्योग फिर से संचालित हो सकें, लोगों को जो मजदूर खाली बैठे हैं उनको रोजगार ही मिल सके, इसलिए मैंने वो बात की। दो मुख्य रूप से बात, एक तो टीका हमको टीकाकरण के लिए हमको वैक्सीन चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन औद्योगिक पूर्ति के लिए भी अनुमति मिलनी चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलेक्टर्स के साथ बातचीत करेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ के 5 कलेक्टर से भी चर्चा की जाएगी। कलेक्टर करण कौशल से बात करेंगे, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण पर चर्चा की जाएगी। तो 20 मई सुबह 11 बजे वर्चुअली ये बातचीत होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ के 5 कलेक्टर शामिल रहेंगे। बिलासपुर, रायगढ़, जांजगीर चांपा समेत बालौदाबाजार कलेक्टर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा करेंगे। कोरोना के हालातों पर जानकारी ली जाएगी। इसके साथ ही राज्य में कोरोना की स्थिति और क्या प्रयास प्रशासनिक स्तर पर किए जा रहे हैं, क्या समाधान है, इस पर विस्तार से जानकारी प्रधानमंत्री की तरफ से ली जाएगी। जिले में हम लोगों ने संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने बहुत ही अर्ली डिटेक्शन
अर्ली ट्रेस करके, अर्ली इंटरवेंशन करके ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी हो सके, इस दिशा में हम लोगों ने कार्य किया। हम उसका ही परिणाम है कि पिछले एक सप्ताह में अगर हम देखेंगे तो हमारे जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो आधे हो गए हैं, हमारी पॉजिटिविटी 13% कम हुई है, हमारी डेथ जो है वो सिंगल डिजिट पे है, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग इस स्थिति को और ज्यादा हम लोग कंट्रोल आगामी हफ्ते दो हफ्ते में कर लेंगे। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं, जहां वैक्सीनेशन को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह का ट्वीट सामने आया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है, हर योजना जमीन पर उतरने से पहले ही दम तोड़ रही है। इसके साथ ही लिखा कि सेंटर्स पर भीड़ इकट्ठी हो रही है, पोर्टल पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकार के पास इसका कोई हल नजर नहीं आता। सरकार वैक्सीनेशन तक की व्यवस्था नहीं कर पा रही है, और इससे ज्यादा निकम्मापन क्या हो सकता है। तो ये शब्द पूर्व सीएम रमन सिंह के हैं। ट्वीट के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार को फेल बताया, सरकार पर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में महिला एवं बाल विकास विभाग के अफसर सुधाकर बोतले के अनशन के बाद प्रशासन आखिरकार जाग गया है। और एक और जहां सोमवार को कलेक्टर ने उन्हें लस्सी पिलाकर अनशन खत्म किया, तो वहीं 200 सहायता समूह को बर्खास्त और 2 सुपरवाइजर को सस्पेंड कर दिया गया। मामला मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और रेडी टू ईट स्कीम में 30 लाख रुपए के घोटाले का है। जांच पूरी होने पर भी कार्रवाई नहीं की गई। महिला एवं बाल विकास अधिकारी सुधाकर बोदले रविवार को अपने ही विभाग के दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई ना होने से नाराज थे। इसके चलते वो अपने घर में ही अनशन पर बैठ गए। जांच दल द्वारा आज महासमुंद ग्रामीण परियोजना के 3 SHGs का हमने निरीक्षण किया, और प्रथम दृष्टया गड़बड़ी के आधार पर प्रगति महिला स्व सहायता समूह बरौंदा बाजार एवं एकता महिला स्व सहायता समूह लभरा खुर्द को बर्खास्त कर दिया है, तथा संबंधित सेक्टर के 2 पर्यवेक्षक श्रीमती शशि जायसवाल एवं श्रीमती दीपमाला तारक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह के संबंध में वर्ष 19-20 एवं 20-21 में क्रय के संबंध में जो दस्तावेजी साक्ष्य जो मिले हैं उसमें प्रथम दृष्टया कुछ अनियमितता परिलक्षित हो रही है। फलस्वरूप वर्ष 2019-20 एवं 20-21 का इससे संबंधित जो भी भुगतान है उसको रोक दिया गया है, और इस संबंध में जो जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं उनसे विस्तृत प्रतिवेदन मांगा गया है, विस्तृत प्रतिवेदन चाहा जा रहा है। प्रकरण की विस्तृत जांच के पश्चात ही इसमें कुछ। और छत्तीसगढ़ में 18+ वैक्सीनेशन को लेकर हाईकोर्ट ने फिर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने वैक्सीन डोज की बर्बादी को लेकर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि सेंटर के बाहर लोगों की लंबी लाइन लगी है, ऐसे में वैक्सीन की बर्बादी रोकनी होगी। एक जगह बच रही है तो उसे दूसरे वर्ग के लिए शिफ्ट करें। इस मामले में कोर्ट ने 2 दिन में सरकार को शपथ पत्र देने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई 19 मई को होगी। जहां जिन सेंटर्स में टीके बच जा रहे हैं उनको प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा है। अगर अंत्योदय जैसे सेंटर्स में 100 टीके आ रहे हैं उसमें सिर्फ 20 लग रहे हैं, तो बाकी टीकों का क्या होगा। इसी चीज को संज्ञान में लेते हुए हाईकोर्ट ने स्टेट को डायरेक्ट किया है कि वो 2 दिन के अंदर शपथ पत्र जमा करें और उसमें ये बताएं कि जो बचे हुए टीके हैं जो दिन के एंड में बच जा रहे हैं वो बाकी लोगों को कैसे रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे, जिसमें से जल्दी से जल्दी टीका ज्यादा से ज्यादा लोगों को लग सके। तो वैक्सीनेशन दोबारा शुरू होने के बाद अब वैक्सीनेशन सेंटर पर विवाद की स्थिति बन रही है। बीटीआई से टीकाकरण केंद्र में वैक्सीन लगाने पहुंचे लोगों और टीकाकरण केंद्र के अधिकारियों के बीच विवाद की स्थिति बनी और लोग नाराज नजर आए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई। जायजा लिया संवाददाता अभिषेक शुक्ल ने। तो हम टीकाकरण केंद्र में पहुंचे हुए हैं, वैक्सीनेशन का काम चालू है, लेकिन लोग अभी भी नाराज हैं, बहुत सारी समस्याएं बता रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ बीटीआई स्थित टीकाकरण केंद्र में हैं। क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? सर, हमने कल 16 तारीख को वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट मिला था। हम यहाँ आए थे और हमारे को बोला गया कि यहाँ वैक्सीन खत्म हो गई, 120 डोज यहाँ है। हम एज ए डिसिप्लिन मेंटेन करके हम रवाना हो गए। हम आज वापस आए तो हमारे को टोकन दिया गया 16 का भी और 17 का भी दे रहे हैं, पर इंस्टीट्यूट ऑफ 16 की जगह 17 को टीकाकरण हो रहा है, तो ये तो गलत बात है। इट इज़ नॉट गुड।
क्या दिक्कत है आपको आ रही? सर ऐसा है कि पहले जो लाइन लगते थे तो यहाँ से बोला गया था कि भाई हमने ऑनलाइन प्रोसेस ही इसलिए किया ताकि लाइन ना लगना पड़े, आप लोगों को सब चीज़ का पालन करना है, सुबह से आना ना पड़े। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन नहीं हो पा रहा है, हम देख रहे हैं तस्वीरें, देखिए भीड़ लगी हुई है यहाँ पर और लोग नाराज़ भी हो रहे हैं कि उनको घंटों तक इंतज़ार करना पड़ रहा है। ये लाइन प्रॉपर क्यों नहीं हो पा रही? सर इन लोग चढ़ बैठते हैं, सबसे बड़ी बात पुलिस, हम ही लोग यानी सुरक्षाकर्मी कुछ नहीं कर सकते, इन लोग को भी कॉपरेट करना पड़ेगा, इन लोग समझ नहीं पा रहे हैं। शिक्षित है, शिक्षित तो नहीं है। आप लोग भीड़ लगा रहे हैं, इनकी शिकायत है, क्यों लाइन में नहीं लग रहे? हम किसी को हाथ भी नहीं लगा सकते सर, इनकी कोई गलती नहीं है। जब वैक्सीन की शॉर्टेज है, ये सबसे पहली चीज़ है, तो ऑब्वियसली सप्लाई में भी गिरावट होगी। अब एक साथ जब भीड़ उमड़ेगी, आउट ऑफ कंट्रोल होगी, तो उसमें इतने कम लोग मैनेज भी नहीं कर सकते, तो इसमें इनकी भी पूरी कोई गलती नहीं है। जनता आई अंदर के हाल हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। मैडम आप यहाँ सेंटर में, ये कुछ लोग बोल रहे हैं कि कल से वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराए थे, अभी भी लाइन में लगना पड़ रहा है तीन तीन चार चार घंटे, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत यह है सर कि जिनका नहीं हुआ है, किन्हीं का सेंटर नहीं मिला है, किन्हीं का और कुछ है, तो इसलिए ना थोड़ा सा दिक्कत जा रहा है। ऑनलाइन इनका कहना है हम रजिस्ट्रेशन करा लिए। रजिस्ट्रेशन तो बहुत सारे लोग का है, लेकिन कितने सारे लोग को लेंगे बताइए आप? आपके पास टीका पर्याप्त नहीं है? टीका है लेकिन कम आता है, जैसे जैसे आता है उतने लोग को लगता है, कभी 102 120 का आता है, कभी 150 का। कितना टीका आया है? आज तो काफी आया है, फिर भी 200 से ज्यादा ही आया है। लोग बोल रहे हैं कई तीन तीन घंटे से बाहर हो चुका है, 180 हो गया है, उसके बाद फिर सेकंड डोज और आया है, जो अपने सर मंगवाए हैं यहाँ कि पब्लिक को दिक्कत ना जाए। 16 का भी हो रहा है, 17 का भी हो रहा है, दोनों डेट का हो रहा है। कैमरामैन अखिलेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। और रायपुर में 38 दिन बाद शहर के 11 बाजार खोले गए। एक दिन में रोड के एक तरफ की दुकानें शाम 5 बजे तक व्यापारी खोल सकेंगे, जैसे सड़क के बाएं हिस्से की दुकानें सोमवार को, तो दाएं तरफ की दुकानें मंगलवार को खुलेंगी। बाजार के अध्यक्ष दुकानों को नंबर भी अलॉट करा सकते हैं। इसमें ऑड या इवन नंबर की दुकानें एक दिन के गैप में खुल सकेंगे और हर संडे पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ में लगातार ब्लैक फंगस के मरीज तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बिलासपुर में भी ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। एक साथ 3 मरीजों के सिम्स पहुंचते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। तीनों मरीजों को सिम्स के म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस वार्ड में भर्ती किया गया। तीनों ही मरीज पोस्ट कोविड के बताए जा रहे हैं। इनमें 2 मरीजों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। वार्ड का जायजा लिया संवाददाता उमेश मौर्य ने। साथ 3 ब्लैक फंगस के मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। इस वक्त मैं बिलासपुर के सिम्स हॉस्पिटल में मौजूद हूं और ये वो वार्ड है जहां पर ब्लैक फंगस मरीजों का उपचार चल रहा है। म्यूकर माइकोसिस ब्लैक फंगस वार्ड में मैं मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहां पर स्वास्थ्य विभाग ने व्यवस्था की गई है कि किस तरीके से उन मरीजों का ट्रीटमेंट किया जाएगा, किस तरीके से इलाज किया जाएगा। अभी हाल ही में 3 मरीज यहां पर पहुंचे हैं और तीनों गंभीर अवस्था में है, उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है। यहां पर डॉक्टर पंकज मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर किस तरह की व्यवस्था यहां पर सिम्स में की है और किस तरह से चार उनके लिए किया जा रहा है, दवाइयों की क्या व्यवस्था है। अभी 3 मरीज हमारे यहाँ भर्ती हुए हैं, अभी उन लोगों की जांच चल रही है और कुछ दवाइयाँ चालू कर दिए गए हैं। प्रारंभिक जांच में लग रहा है कि म्यूकोमाइकोसिस ही है, लेकिन जब तक कंफर्मेशन रिपोर्ट नहीं आ जाती, वो 2 घंटे में अभी आ जाएगी और इनका इलाज चालू कर दिया। हम लोगों के पास पर्याप्त बेड भी है इसके लिए और पर्याप्त स्टाफ भी है और शासन द्वारा मुफ्त में दवाई उपलब्ध करा दी गई मरीजों के लिए। किस तरह का लक्षण इसमें दिखाई देता है और ये किन लोगों को होता है, ये किन लोगों से को ग्रसित कर रहा है ये बीमारी? खास करके जो पेशेंट, जो डायबिटिक पेशेंट रहते हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट रहते हैं और जो कुछ सेप्टिसीमिया रहता है, डायबिटिक रहते हैं या इम्यूनो कम्प्रोमाइज या कैंसर के जो कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी वगैरह लेते हैं और उन मरीजों को कोविड हो जाए, तो उस समय जब स्टेरॉइड ज़्यादा मात्रा में दी जाती है तो उसका साइड इफेक्ट के रूप में या उसका कॉम्प्लिकेशन के रूप में ये म्यूकोमाइकोसिस देखा जा रहा है। सर इसमें किस तरह से लक्षण दिखाई देते हैं और उसको बचाव किस तरह से किया जा सकता है? बचाव का तो प्रारंभिक ये है कि स्टेरॉइड का जुडिशियस यूज़ होना चाहिए और मरीज अपने शुगर को कंट्रोल करके रखे और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सब तमाम चीज़ें करें। और फिलहाल तो अभी इलाज चालू किए हैं,
बाद में इस बारे में और चर्चा कर लेंगे। जो सबसे बड़ी इनपुट जो अभी निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि इन तीन मरीजों के अलावा कुछ और मरीज हैं जो ऑन द वे हैं, चार ऐसे मरीज हैं जो अभी यहाँ पर सिम्स में फिर आने वाले हैं, यानी कि लगातार जो संक्रमित जो व्यक्ति हैं ब्लैक फंगस के वो सिम्स में पहुंचने शुरू हो गए हैं। लगातार ये मामला सामने भी आ रहा था, प्रदेश में आंकड़े भी बढ़ते जा रहे थे, लिहाजा इसे देखते हुए सरकार ने तमाम व्यवस्था करने, जो चिकित्सा महाविद्यालय है उनको करने को लिए कहा था और वहां पर इसका फ्री ट्रीटमेंट किया जा रहा है। बहरहाल बिलासपुर में एक साथ तीन मरीज सामने आए हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से हरकत में आ गया है और तमाम व्यवस्थाओं के बीच उनका इलाज शुरू कर दिया है। कैमरामैन प्रकाश राव के साथ उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। आगे बढ़ते हैं, जगदलपुर में कोरोना कर्फ्यू की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। और आपको जानकारी दे दें कि जिले में 31 मई तक लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं, लॉकडाउन के बावजूद सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ पहुंच गई और यहां पर केवल इक्का दुक्का के चेहरे पर ही आपको मास्क नजर आ रहे होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई जिसकी भनक पुलिस प्रशासन तक को नहीं लगी। महामारी के दौर में बीते एक साल में कोरोना मरीजों की सेवा में नर्सों के योगदान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कोरोना काल में नर्स की भूमिकाएं बढ़ गई हैं और आज भी कई ऐसी नर्स हैं जो जान हथेली पर लेकर अपनी ड्यूटी के साथ साथ मानवता का धर्म भी निभा रही हैं। हालांकि अब दूसरे देशों की नर्सों ने भारत की मदद करने की ठान ली है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना काल में कई लोगों का वास्ता अस्पताल से पड़ चुका है, जहां पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना से लड़ाई में दीवार की तरह खड़ा है। मरीजों के इलाज से लेकर उनकी देखभाल का जिम्मा इन्हीं के कंधों पर है। महामारी में इनके काम का जज्बा किसी योद्धा से कम नहीं। मानव जाति को बचाए रखने के लिए ये लोग दिन रात लगे हैं। इनमें नर्सों की भी सबसे अहम भूमिका है और अब कोरोना से जंग में पैरामेडिकल स्टाफ के हाथ और मजबूत होने जा रहे हैं। दरअसल अमेरिका से 100 से ज्यादा नर्सें नौकरी परिवार छोड़कर भारत आ रही हैं। ये कम सुविधाओं वाले अस्पतालों में सेवाएं देंगी, साथ ही अपना सारा खर्च भी खुद उठाएंगी। इस ग्रुप को अमेरिकन नर्स ऑन अ मिशन नाम दिया गया है। मतलब साफ है, चाहे बात हमारे देश की नर्स की हो या फिर किसी और देश की, नर्स होना अपने आप में उस सेवा भाव को दर्शाता है जो हर वक्त मानव सेवा के लिए खड़ी रहती है और वो भी बिना किसी शर्त के। अमेरिका से आने वाली नर्सें भी इसका ही उदाहरण है, जो लोगों की जिंदगी बचाने ना सिर्फ अपनी नौकरी और परिवार को छोड़ने को तैयार हैं, बल्कि बिना किसी आर्थिक मदद के इस महामारी से लोगों को बचाने के लिए जुटी हैं। जाहिर है कि कोरोना की दूसरी लहर से स्वास्थ्य सुविधाओं पर असर पड़ा है, वहीं महामारी में नर्सों को तमाम चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इन तमाम कठिनाइयों के बीच नर्स फ्रंटलाइन वॉरियर की भूमिका में अपना कर्तव्य पूरे निष्ठा के साथ निभा रही हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि यही निष्ठा और सेवा भाव हमें इन नर्सों से सीखने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और महासमुंद के महिला एवं बाल विकास अधिकारी सुधाकर बोदले की बगावत से सरकार बैकफुट पर है। अफसर की गिरफ्तारी के बाद डैमेज कंट्रोल की कवायद शुरू हो गई। महिला एवं बाल विकास विभाग ने विभागीय संचालक जन्मेजय महोवे की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय टीम को उन शिकायतों की जांच सौंपी जिन्हें बोदले ने उठाया था। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और रेडी टू ईट में अनियमितता की शिकायत लेकर धरना दिया था। महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव रीना बाबा साहब कंगाले ने जांच समिति में विभाग की संयुक्त संचालक क्रिस्टीना लाल, संयुक्त संचालक वित्त भावेश कुमार दुबे, इसके साथ ही उप संचालक आरजे कुशवाहा और उप संचालक प्रियंका कैश को शामिल किया है। समिति को जांच पूरी कर रिपोर्ट देने के लिए 5 दिनों का समय दिया गया है। देखिए, अधिकारी के द्वारा ये अनशन पर बैठा हुआ है, मुझे लगता है कि सरकार को इस पे तत्काल जो मांग की गई है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी भ्रष्टाचार किए हैं वो सामने आना चाहिए, उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे बाकी अधिकारी मौन क्यों हैं और क्यों बचाना चाहते हैं, उनका संरक्षण करना क्यों चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण सवाल है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इधर बखानजुर में आंधी तूफान से ग्राम पंचायत देवपुर के 3 गांव को खासा नुकसान पहुंचा, जिसके बाद विधायक अनूप नाग गांव का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान विधायक ने 237 परिवारों को
सूखा राशन वितरित किया। वहीं पीड़ित परिवारों को करीब 33 लाख रुपए की सहायता राशि भी दी। और कोरोना की दवा को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन ये सारी रिसर्च वहीं धरी रह जाती है जब कुछ लोग कोरोना के इलाज के लिए ऐसे दावे करते हैं जिसका ना सिर है ना पैर। देखिए एक सांसद का ऐसा ही दावा। फिर सुनिए साध्वी के बोल, गोमूत्र से हारेगा कोरोना। सांसद साध्वी प्रज्ञा का रामबाण इलाज, गोमूत्र से दूर होगा लंग्स का इंफेक्शन। कांग्रेस का तंज, बनाए जाए गोमूत्र वार्ड। देशी गाय का गोमूत्र अर्थ अगर हम लेते हैं तो उससे हमारे फेफड़ों का जो इन्फेक्शन है वो दूर होता है। सुना आपने, ये है कभी कभी दिखने वाली भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा। और जब भी ये अपने मठ से बाहर निकलती हैं और बयान देती हैं तो सुर्खियां बन जाती हैं। जब कोरोना अपना कहर बरपा रहा है और हर तरफ कोरोना से मातम छाया हुआ है, इन्होंने कोरोना का इलाज सुझाया है। साध्वी प्रज्ञा का कहना है कि गोमूत्र से कोरोना का इलाज संभव है और वे खुद रोज गोमूत्र का अर्क लेती हैं। हमने उसको जीवन दिया है, हम थोड़ा सा देते हैं, वो कई गुना देता है। ये एक जीवनदायी शक्ति का उदाहरण है। और अब आपको बताते हैं कि गौमूत्र को लेकर आखिर क्या कहता है आयुर्वेद। आयुर्वेद शास्त्र गौमूत्र का वर्णन है जो पित्त और उदर रोगों के लिए लाभकारी है, लेकिन वायरस के खात्मे में इसका कोई वर्णन नहीं मिलता। यह मूत्र साधारणतः तीक्ष्ण उष्ण कटु तिक्त और अनुरस में लवण होते हैं। इनके प्रयोग से शरीर के मलों की शुद्धि होती है, तो हो सकता है कुछ अंश में गोमूत्र का प्रयोग लाभदायक हो, पर इस पर अभी वैज्ञानिक सिद्धता या रिसर्च नहीं आने तक हम इसे स्पष्ट रूप से प्रयोग करें ऐसा नहीं कह सकते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि इस बात के कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि गाय के गोबर या गाय के मूत्र से इम्यूनिटी बेहतर की जा सकती है। ये पूरी तरह से आस्था पर आधारित है, लेकिन ये भी साफ है कि इससे चीजें जटिल हो सकती हैं। वहीं अब साध्वी प्रज्ञा के इस बयान के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और सीएम शिवराज से मांग की है कि मेडिकल कॉलेज में गोमूत्र वार्ड की शुरुआत की जाए। भाजपा की वैज्ञानिक सांसद प्रज्ञा सिंह जी का बयान आया है कि गौमूत्र से कोरोना ठीक होता है और वो गौमूत्र लेती हैं और इसलिए उनको कोरोना हो नहीं पाया और उन्होंने जो है कई लोगों पर इसके प्रयोग किए। मध्य प्रदेश सरकार से, शिवराज सिंह जी से और प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि उनकी इस समझ के आधार पर देश के किसी भी एक मेडिकल कॉलेज में, भोपाल में के मेडिकल कॉलेज में एक गौमूत्र वार्ड बनाया जाए जिसमें जो लोग उनकी इन बातों पर विश्वास करते हैं उन पेशेंट्स का, संघ के और भारतीय जनता पार्टी के जो पेशेंट्स हैं उनका इलाज गौमूत्र के माध्यम से किया जाए और इसका वैज्ञानिक इसकी सुस्थापना की जाए। बात जो भी हो, लेकिन क्या एक जिम्मेदार प्रतिनिधि को इस तरह का बयान देना चाहिए, वो भी ऐसे वक्त जब देश और प्रदेश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ हो। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।
और कोरोना से लड़ाई में यदि हमारे सबसे बड़ा कोई हथियार है तो वो है सहमति, और इसी सहमति के बल पर हम कोरोना को मात दे सकते हैं। और मध्य प्रदेश की सियासत ने इस सहमति पर अपनी मोहर लगाई है, कैसे आपको दिखाते हैं। मुद्दा कोई भी हो, एक दूसरे का विरोध करना जैसे सियासतदानों का धर्म सा बन गया है, लेकिन यहाँ मामला जरा अलग है। देपालपुर में बीजेपी और कांग्रेस नेता एक साथ कोरोना के खिलाफ जन जागरूकता अभियान पर निकले हैं। कांग्रेस विधायक विशाल पटेल और पूर्व बीजेपी विधायक मनोज पटेल ने 6 गांव में जागरूकता अभियान चलाया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए देपालपुर के चाटवाड़ा, संगड़ो, चांदे, बनेडिया सहित 6 गांव में ये जनप्रतिनिधि एक साथ गए। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ता, सरपंच और ग्रामीण भी मौजूद थे। दरअसल रविवार को इंदौर क्राइसिस कमेटी की बैठक में ही विधायक ने राजनीति से हटकर साथ साथ काम करने का ऐलान किया था। प्रत्यारोप लगाने का समय आज ये महामारी में नहीं है। महामारी में एक दूसरे का साथ देना और पूरे क्षेत्र को कोरोना से कैसे मुक्त हो, वो सबसे बड़ा मोटिव है हम लोगों का। कल मनोज भैया से बात हुई, जैसे ही चर्चा हुई उन्होंने भी एक मिनट में हाँ करी कि हाँ खुद अपन पूरे क्षेत्र में अपन घूमते हैं। हम दोनों साथ में गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को एक जन जागरण अभियान के माध्यम से। हम दोनों के लिए खुशी की बात है कि लोगों में हम दोनों के जाने से जागरूकता आ रही है और लोग जागरूक होकर के अब ऐसा लगता है कि हम देपालपुर क्षेत्र से कोरोना को मुक्त करने में सफल हों। बड़ी बात यह है कि कोरोना से लड़ाई में सियासी सौहार्द की ये तस्वीर कोरोना के हॉटस्पॉट इंदौर से निकल कर आई है। ये पहला मौका नहीं है जब कोरोना से लड़ाई में सियासी मतभेद भुलाकर मिलकर लड़ने की बात कही गई हो। कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोरोना के हालात से पूर्व सीएम कमलनाथ को अपडेट करके की थी। कमलनाथ ने भी इस संकट के काल में सरकार के हर फैसले के साथ खड़े रहने की बात कही थी। सीएम बार बार ये कहते रहे हैं कि राजनीति हम बाद में कर लेंगे, अभी साथ खड़े होने का वक्त है। मैं कांग्रेस के मित्रों से, नेता प्रतिपक्ष से सबसे अपील करता हूं कि शिवराज को गाली देने के बहुत से अवसर आएंगे, आप देते रहना, मुझे कोई उसकी कोई बुरा नहीं लगेगा, लेकिन इस समय एक हो जाओ और सब मिलके काम करो। मैं सबका साथ चाहता हूं ताकि हम सब मिलके काम करें। पूरे देश में जब दिल्ली से लेकर कई प्रदेशों में कोरोना को लेकर पक्ष विपक्ष में तलवारें खींची हो, मध्य प्रदेश के सियासतदानों ने एक अच्छी मिसाल पेश की है और पक्ष विपक्ष के एक साथ आने के नतीजे भी कोरोना के लगातार कम होते मामलों के रूप में नजर आने